निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सातवें चरण से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं 1-8 शिक्षक बहाली के संदर्भ में। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि आज जो काउंसलिंग होना था, छठे चरण का विशेष चक्र जो चल रहा था, वो हो रहा है, रुका हुआ नहीं है, हो रहा है। 2-3 जिलों में हमने देखा है कि सब जगह अच्छे तरीके से हो रहा है। थोड़ा मेरिट हाई जा रहा है, मेरिट के मामले में हाई इसलिए जा रहा है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी वहां पहुंचे, एक ही स्थान पे बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचे। कहीं जनरल में 73 है तो कहीं बीसी में देखा जाए तो आपका 68, ईडब्ल्यूएस मतलब 67 के करीब में है। इस तरीके से है मेरिट, लेकिन हाई ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी एक ही स्थान पर पहुंचे हैं, बहुत कम जगह हो रहा है। बहुत जगह आपके अभ्यर्थी पकड़े भी जा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट वगैरह जाली वगैरह लेके घूम रहे हैं, तो वो पकड़े भी जा रहे हैं। इस तरीके से सारी चीजें देखने को मिल रहा। फिलहाल हम सातवें चरण की चर्चा कर रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो 14 तारीख बीत गया, 15-16 दो दिनों के बाद आपका छठा चरण एक तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि सातवां चरण कब स्टार्ट होगा, क्या कुछ हो सकता है। अब इस चीज को जानने के लिए हमारे साथ एक अभ्यर्थी भी जुड़े हैं जिन्होंने संजय सर से बात भी किया है और साथ में इन्हें रिप्लाई भी मिला है। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं हिंदी क्लब में। इनका नाम है राजू जी। सबसे पहले वेलकम करते हैं राजू जी का। राजू जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। थैंक यू सर। राजू जी, आपने मैसेज किया था संजय सर को, और सर क्या कुछ आपने पूछा था और क्या कुछ आपको रिप्लाई भी मिला है? सबसे पहले लेकिन आप अपना इंट्रो जरूर दे दीजिए। सर मैं राजू कुमार हरबल जी बताता हूँ सर। और आपने संजय सर को आपने क्या कुछ मैसेज भेजा था? सर मैंने संजय सर को एक मैसेज भेजा था सर। उसमें सर मेरे द्वारा स्पष्ट लिखा गया था सर कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सीटेट दिसंबर पास, so I have to know to new notification of 7th stage for primary and high primary. Please clear this sir, we are frustrated to take the new vacancy sir. तो सर उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई किया सर कि होपफुली इन अप्रैल। उसके बाद सर हमारी बातें भी सर से हुई व्हाट्सएप कॉलिंग। उन्होंने काफी लंबा बात दौरा रहा सर बात का, तो उसमें सर सर की तरफ से बहुत पॉजिटिव बोला गया सर। मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चन किया गया था सर कि जो सातवें चरण की प्रक्रिया होगी सर कैसी होगी सर, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर के, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो सर के द्वारा बोला गया था सर कि आप लोग चिंता ना करें, डोमिसाइल रहेगी, सेंट्रलाइज रहेगी, ऑनलाइन रहेगा, और प्रक्रिया बिल्कुल ही छठवें चरण से अलग और बेहतर रहेगी, जिसमें कम परसेंटेज वाले लड़कों को भी होने की संभावना प्रबल दिखेगी। जी, उसके बाद सर मैंने सर से पूछा था कि सर जो सातवें चरण की बहाली होगी सर, वो उसमें सर क्या मतलब ऑनलाइन का क्या मतलब वो रहेगा फंडा सर? तो सर ने बोला था कि जिस तरीके से आप एग्जांपल के रूप में ले लें कि स्पोर्ट्स एडमिशन होते हैं, उस तरीके से ही होगा और सारे बच्चे उसमें सिलेक्ट होंगे। और फिर मेरा सर थर्ड क्वेश्चन था सर यही कि जो बहाली सातवें चरण की चल रही है सर, चलेगी सर, आएगी, उसमें सर सीटों का क्या संख्या रहेगा? तो सर के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट और पॉजिटिव रिस्पॉन्स सर की तरफ से आया कि 80 से 90 के बीच में सीटें रहेगी, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकती है सीटें बढ़ेगी लेकिन इससे कम नहीं आएगी। यानी 80 से 90 हजार कहा जा रहा है 1-8 में कि आपका सीट रहेगा। यस सर। अच्छा, ये सारी चीज सर ने बताए हैं, तो क्या लगता है कि सातवां चरण कब स्टार्ट होगा, इसके बारे में चर्चा नहीं हुआ? नहीं सर, इसके बारे में चर्चा हुआ सर। सर ने मैसेज भी किया कि होपफुली इन अप्रैल, और सर ने कहा भी है कि अप्रैल में आप एकदम अनुमानित रहिए, असानवित रहिए, आपकी नोटिफिकेशन दी जाएगी 1-8 के लिए। मतलब कब तक? कुछ डेट वगैरह क्लियर चाहिए? कुछ डेट वगैरह सर ने कहा सर कि 20 के आसपास से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कर सकते हैं, इसका मतलब इसका नोटिफिकेशन पहले ही आएगा। हमने एक और चीज हमने क्लियर किया था कि देखिए, जिस तरीके से शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक का चर्चा चल रहा है कि 11 तक मतलब पोलिंग वगैरह सारा चीज कंप्लीट देखा जाए तो 11 तक आपका हो जा रहा है, तो उसके बाद अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो उसके बाद निश्चित रूप से आ जाए तो अच्छी बात है। और आपने कहा 20 तक, जैसे बातचीत में सर ने मतलब इस तरह का डेट बताया कि 20 सर, सर ने कंफर्म डेट नहीं बताया है सर। सर का मतलब ओपन करना हम नहीं चाहेंगे, लेकिन सर ने बोला था सर कि 15 से 20 के आसपास आप आवेदन करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव सर, बहुत अच्छे तरीके से बात किए थे। हमारी बात उनसे लगभग 10 से 15 बार हुआ है, लेकिन इस बार जब सर ने बात किया हमसे तो मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखा सर। बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हम जानना चाहते हैं, ये बीटेट का जो मामला है, बीटेट वाले को तो पहले से भी हमने बोल रखा है कि सीटेट आप दीजिए, फिर से सीटेट
अब आएगा ही जुलाई जी जो है, इस मंथ जुलाई के लिए सीटेट आएगा है, तो उसका तैयारी करना चाहिए। उसका सिलेबस भी फिक्स रहता है। इस बार थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन बनाना था, लेकिन वो यस ठीक रहता है तो उसका तैयारी करना जी। चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये बताइए कि बीटेट के संदर्भ में कुछ बात हुआ कि क्या हुआ? नहीं सर, बीटेक बीटेट के संदर्भ में बात हुई थी सर, तो सर ने बिल्कुल इसे खारिज कर दिया, बोला कि नहीं बीटेट नहीं होगी, कोई संभावना नहीं है। अगर हम बीटेट की बातें करते तो अप्रैल में कैसे नोटिफिकेशन आएगा। हाँ सही बात है, अगर उसकी बातचीत करेंगे तो बार बार क्यों कह रहे हैं। हमने एक जी वीडियो भी दिखाया था कि सर ने कहा था कि हम सातवें जी चरण का रिक्ति जोड़ते हुए जी आपका ये करेंगे, बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कराएंगे। ओल्ड वीडियो था, यस अक्टूबर सर, या सितंबर मंथ का था आपका 2021 का, तो यस सातवें चरण सर, स्टार्टिंग से ही है। जो भी अभ्यर्थी है दिसंबर जो जी 2019 के जो अभ्यर्थी है, इंतजार लंबे समय जी से कर रहे हैं, तो उनके लिए यस सर, खुशखबरी है। वैसे जी तो बातचीत तो आपकी ही हुई है और इस खबर की पुष्टि भी आप ही करेंगे, आपका यस दोनों सर, नंबर वैसे हमारे पास है, कुछ भी दिक्कत होता है तो वो अलग मैटर हो जाएगा। नहीं चलिए बहुत बिल्कुल नहीं सर, अच्छी खबर है, वो अलग मैटर जी है कि वो बहुत अच्छी खबर है और उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है जो इंतजार कर जी रहे हैं। लेकिन यस यहाँ पे सर, ये भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि आप यस लोग सर, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा इसके लिए तत्पर रहिएगा और कार्य करते रहिएगा। बिल्कुल देखिए सर, कभी भी आप झुकेंगे ना तो फिर दिक्कत ही जी है, कभी रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, कार्य करते रहना है। ट्विटर हो चाहे कुछ जी भी हो, ऐसा नहीं कह रहे कि एकदम आग लगा देना है, जाके पूरा आंदोलन करके तोड़ताड़, ये सारी चीज नहीं करना है। हमारी डेलीगेशन टीम फिर से गई थी सर, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे विवेक सर और कुंदन सर, उत्तम सर, तीनों ने गया था, और सर के द्वारा फिर से सर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। कब और गए जब थे? पिछले हमारे पिछले फ्राइडे को सर, फ्राइडे को। यस सर, और सर हमने जब बताया उनको आज की हमारी सर से बात हुई है, संजय सर से, और बिल्कुल पॉजिटिव है, आप लोग काम तो करना है, संजय सर पॉजिटिव जितना भी बोले। और इस बार जब बात हमारी हुई सर, बिल्कुल हम आश्वस्त हैं सर कि अप्रैल में वैकेंसी 100% आएगी सर। देखिए सबसे जरूरी है ना कि बहाना कोई अब नहीं रह चुका, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में भी आया था जो हमने बनाया भी नहीं था, जो यस आज सर, जी आज न्यूज़पेपर में जो था। जबकि यस काउंसलिंग देखा जाए तो सारे जगह हुआ भी है, सारा जगह चल भी रहा है, बहुत सर, ज्यादा भीड़ भी है वहां, रोकना बहुत असंभव सा है, तो यस वो सर, सारे चीज चल रहे हैं। और वो एक तरह से देखा जाए तो 14 15 16 ये कंप्लीट हो रहा है, तो जी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने जा रहा है, ना ही कोई प्रॉब्लम होने जा रहा है सातवें चरण के लिए, क्योंकि अब वही चीज है कि अब आपका स्टार्ट ही होगा सातवां चरण। जी 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 तो इसके लिए आप सभी जो प्रयास कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। डेली आप लोग जाते हैं, मिलते हैं, आवेदन देते हैं। और एक चीज सर, यहाँ पे एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि यस आप लोग डोमिसाइल को है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर बनवाइएगा, दिक्कत वाला सर, जरूर यस बनाइएगा, सर, यस सर, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। वो आज मैं कह रहा हूँ, बाद में आपको दिखेगा जब आप लोगों का मेरिट लिस्ट जब बनेगा और बहुत सारे अभ्यर्थियों का नहीं होगा तो यस फिर सर, आपको दिखेगा कि यस सर, हमने कुछ कहा था। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग कि डोमिसाइल तो रहे ही, लेकिन जी उसमें कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जाए जैसे वोटर आईडी हुआ, या कोई यस ऐसा सर, चीज मांगा जाए जो नहीं बन पाता है जल्दी, यस सर, तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल निश्चित सर, रूप इसे से आपका बहाली प्रक्रिया अच्छे से संपन्न होगा, जो बिहार के हैं उन लोगों का निश्चित रूप से होगा। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी कहते हैं इस चारों तरफ को बुला लिया जाए तो अच्छी मतलब सबका हो जाए। देखिए सबको बुलाने से आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी तक रोड पे घूम रहे हैं, बहुत अभ्यर्थियों का एज भी जा रहा है। यस सर, अब मान लीजिए उनको जॉब मिलना चाहिए, बिहार बोर्ड स्टार्टिंग में देखिएगा को बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं दिया है, नहीं सर, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं दिया। अब यहाँ के जो बच्चे पढ़े हुए हैं तो उन्हें अगर कोई रोजगार, बिहार में तो कुछ और जगह का रोजगार है नहीं, एक ही रोजगार है कि शिक्षक बनते हैं वो, जी तो वहां पे अगर ये शिक्षक बनते हैं तो अच्छी बात है, इसलिए हम लोग थोड़ा डोमिसाइल को ये दे रहे हैं। और बहुत अच्छा न्यूज आपने सुनाया और यस मेरे सर, ख्याल से अभ्यर्थियों को भी पसंद आएगा, अगर आपने जैसा कहा है इस तरीके से हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग स्टार्ट रहिएगा और 16 के बाद निश्चित रूप से आपका एक ही अब मांग होना चाहिए कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन हमें दिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से बता देना चाहता हूं सर कि हमारी हमेशा बात होती है संजय सर से, और फिर हुई है, हर बात के कंपैरिजन में इस बार जो बातें हुई सर, बिल्कुल और बिल्कुल पॉजिटिव है सर। इस बात को मैं दावा करता हूं संजय सर से वार्तालाप के बाद कि नोटिफिकेशन अप्रैल माह में आएगी, बिल्कुल आएगी सर।
चलिए, बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई है, और इस उम्मीद के साथ कि आपको फिर से नोटिफिकेशन सातवें चरण के लिए, फिर से मतलब छठे चरण कंप्लीट होने के बाद आपको नोटिफिकेशन शिक्षक बहाली का देखने को मिलेगा, प्राथमिक शिक्षक बहाली 1 to 8 का, ये कहना है राजू जी का। अगर ऐसा होता है और ये मिड अप्रैल में अगर स्टार्ट हो जाता है आवेदन लेना, तो बहुत बढ़िया न्यूज होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें इंडी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।